बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, 12 बजे से बैठे जो गाली बकरे वो पगलन की, आगे वालों ने कल से जगह ही नहीं छोड़ी उन पगलन की भी, सुबह 9 बजे जो तैयार होके बैठ गए थे उन पगलन की, सीताराम भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पार्वती पते। भारत हिंदू राष्ट्र की, कहो कैसे हो? दिन निकल गया, हम तो 7 बजे सुबह सोए, भूत भगा उतरे भगू की बाटत रहे, मरीज कल ज्यादा हो गए थे तो पूरे मरीज ना फ्री करो, जब आंख अपने आप बंद होने लगी, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जहां से भगूती हम वहां बांटत रहे वहीं सो गए, अंत तो गत्ता कोई बगल में बिस्तर डाल दिया जी, कमरे में जा ही नहीं पाए, थक ज्यादा गए थे, शरीर बुढ़ापे की ओर है, जल्दी थक जाता है वहीं सो गए, बड़ी मुश्किल से उठे, और अब बता देना चाहिए अब क्या है जो है सो सामने है, 12 बजे सो के उठे और 7 बजे सोई थे, 7:30 बजे सोई थे, चाहे 8 बज गए, 12 बजे 12:15 के लगभग उठे, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान पूजा पाठ किया, जो चूरन चटनी करते हैं वो करी, अलग से फलाहार पाए, तब तक फिर आ गए, फिर क्रम को पूर्ण किया, उसके बाद फिर यहाँ आ गए, तुम्हारे सामने अब दरबार लगेगा, राम मंदिर का हाँ दरबार लगेगा, पर्चा बनेगा, और आज हाँ महाराज कल शनिवार है, कल बहुत ज्यादा भीड़ हो जानी है, आज ही बढ़ गई है, तो कल का यहाँ दरबार लगाने में हमको प्रशासन ने कहा फौज पहुँच हो जाएगी महाराज जी, और गंभीर स्थिति हो जाएगी, अब हम बड़ी दुविधा में फंसे, रात को कोशिश कर रहे कि वैसे तो परसों 3 सेट में ही दरबार लगना जो 100x300 का बड़ा बन गया, लेकिन अगर कल कोशिश हो जाएगी तो वहां अगर बन जाएगा तो वहां दरबार लगाएंगे, वहां नहीं बनेगा, वहां नहीं बनेगा, और कोशिश भर कल दिन भर भभूति बांटे, सामूहिक अर्जी लगा देंगे, भभूति कल रात को जैसे हमने लगभग 4 घंटा बांटी, और कितने लोग रात को फ्री हो गए भभूति में, नहीं कितने लोग लगभग 2000 लोग तो ले गए, और महाराज 2000 लोगों को 1-1 सेकंड में समाधान भी मिल गया, 4-5 घंटा बांटी हमने, 6 घंटा लग गया होंगे ज्यादा से ज्यादा, और 6 घंटे में लगभग 1500 से गिनती तो नहीं है पर 1500 से 2000 के बीच लोगों को हमने मिल लिया, और उनको समाधान भी मिल गया, हमारे हाथ से अभिमंत्रित बालाजी की सिद्ध विभूति भी प्राप्त हो गई और उनकी जय जय भी हो गई, तो हमें कल एक नया उपाय मिला, अगर हम ज्यादा देर तक बैठकर भभूति बांटेंगे तो जिनसे मिल नहीं पाते उनकी शिकायत बंद, जो ये बोलने लगते हम 22 बार आ गए 16 बार आ गए 1.5 साल के, अरे तो हमारे जिंदगी भर के हो तुम, 20 बार की गिनती बता रहे, हम जिंदगी भर की, हम खुद 15 साल से यहाँ बैठे, मैं मेरे प्यारे दोस्तों से कहना चाहूंगा आपका भी बेटा पार हो जाएगा, ये देखो मेरे को 1.5 साल से जुड़ा हुआ था, और मैं काशी जी भी गया था दरबार में, और भोपाल भी गया था, और अलवर भी गया था, और अभी दिल्ली भी गया था, और दिल्ली में मेरे को टोपी के लिए बुलाया था और सेवादारों ने रोक लिया था, और मैंने उनको वीडियो भी दिखाई, माँ ये देखो, अरे नहीं ये पाखंडा तेरे को जाना होता तो बुलाया होता तो आपको वहीं पे बुलाते, सेवादार रोकते नहीं, मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, ये देखना ना भैया ये प्रणाम।
ये सच्ची श्रद्धा है बालाजी महाराज की। बोलो बालाजी महाराज की जय, बालाजी बाबा की जय, अग्रसेन सरकार की जय। अब तुम्हारे अपने दोस्तों को तुम दिखाओगे पर्चा जो हमारे लिए कहते थे कि बाबा तो ऐसा है वैसा है, ठटरी मार दई हो अब तुम उनके भी ठटरी मार दई। अब मैं कहता हूँ महाराज जी को, और ये वीडियो ना यूट्यूब पे जरूर डालना, क्योंकि उन्होंने दिखाने के लिए मेरे को सबूत। डालो भैया आज ही डर जाए, पाँव पल लो तुम, रोको भैया रोको, ये पटकी लिया प्रसाद लिया, देखो लगाओ कैमरा चलाओ तीन चार चलाओ उनकी ठटरी। जलने वालों को तो जलाना ही चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना ही चाहिए। लो जो हमारा प्रसाद लो, अब पटकी दो, ये तुम टॉफी खाओ, जाओ तुम्हारी लोग आई आवे। लेकिन हमें भूल ना जाइयो तुम, ले तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जावे। लो भैया फोटो खींचो, जाओ आशीर्वाद। अब तुम अपने मित्र ना सेम टू यू बोल दियो। चलो अगला नंबर, तब तक सीताराम पागलो देख लो, जो कहते कि गुरुजी को लाते डेढ़ साल में भले ही लगी, लेकिन जय जय हो गई। थोड़ा टाइम तो लगेगा, अब हम प्राण निकाल के करेजो निकाल के ढाल दें है उनके ऊपर। कई बार भी पहली बार वाले हम बुला ले, कई बार भी जिसका जितना ज्यादा भजन जितनी अटूट श्रद्धा उतनी जल्दी हनुमान जी की जय जय। क्योंकि हनुमान जी तो राम चरित्र राम लखन सीता मन प्रभु चरित्र राम लखन हनुमान जी तो चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। जो भी राम नाम जप करता धैर्य रखता भजन करता ओम मागेश्वराय इस मंत्र का जाप करते जो भी पेशी करते नियम करते, बागेश्वर हनुमान जी कलिकाल में साक्षात हैं और कलयुग के भक्तों का उद्धार करने के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी का यहाँ अवतार हुआ है। तो हमारे तुम्हारे जैसे सभी लोगों की अर्जी कौन सुनते हैं? देखो अर्जी हमारी मर्जी बालाजी की। चलो सीताराम आओ कक्का, रोना नहीं है मालिक तुम्हें, कहां से आना हुआ आपका? हेलो एटा से, कहां से? एटा 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 उत्तर प्रदेश। ओ बागेश्वर धाम महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय बालाजी महाराज की जय, फूल गुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरुजी की जय। क्या समाधान चाहते भगवान? क्या समाधान चाहते? बीच में बहना ना टोको, अब हम नाराज हो जाएंगे आप पर। जब एक बार सुख कह दिया दो बार वही बात कह दी, हमें इनका सुन लेने दो। अब बहन जी आप उस तरफ पीछे खड़ी हो जाओ, है मोरी प्यारी बहना पीछे खड़ी हो जाओ। हाँ दादाजी बोलो। अरे वाह काय का, अरे वाह कहाँ? ओ हम आए तो क्या ठीक है, प्रश्न करो। वाह बिल्कुल, और कुछ पूछना है जानना है?
हमने ये लिखा, जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो, तबीयत तुम्हारी ठीक रहे, दुकान व्यापार चाय का है, तेज गति के साथ चले, आर्थिक उन्नति हो जावे, सब काम तुम्हारे पूरे हो जावे, जाओ सदा बालाजी का हाथ तुम्हारे माथ पर रखा रहे, ऐसा आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय, कुल गुरुदेव महाराज की जय। अब इधर आ रही क्या? अब इधर अंडा ला लो, अब इधर शुरू करो ना, टपरी वालों जाओ बड़े स्तर पे पहुंच। हम तुम्हें कवच देवी और तुम बेसी कम किया करो, जब मन किया करे तब आया करो, क्योंकि तुम्हारी आय के स्रोत ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम 4 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आना, बाकी तुम्हारे बदले में हम पेशी करते रहेंगे। ठीक, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। और लो, आज हमको एक लड़का ने घड़ी दी थी, ये तुम पहन लो, क्योंकि हमारा तो टाइम वक्त बेवक्त खराब है, तुम्हारा वक्त ठीक रहे। लो हाथ करो, हम पहना। जाओ, तुम्हारी जय जय। प्रसाद दे दो इन्हें, ले प्रसाद ले जाओ दादा। सीताराम, बालाजी, ओ बालाजी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज बहुत अजी लग गई, हम बहुत खुश हैं। तुम्हारी तो उन्हें रोक दी 2 दिन की, वो तुम जानो वे जाने। बहना हम क्या बताएं, हम तो तुम्हें बुला रहे थे, अब क्या युद्ध हो गया। उन्होंने अर्जी लगा दी, दूसरी वाली बहन जी ने कि हे हनुमान जी, इनकी 2 दिन तक अर्जी ना लगे, अब ये तुम जानो। झूठ मूठ गया तू ना बहन को, हमें पता है तुम कभी रो ही नहीं सकती बहना, झूठ मूठ के आ तू आए तुम आए। इन्हें एक जैया बिस्लरी की बोतल दे दो पानी की। तो काय लगाई कमाई उनने आंटी ऐसी, तो पहले लड़ो, लड़ो, पूछो उनसे, पूछो काय लगाई थे। 2 ही बहनें लड़ो। कहां से आए भैया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायपुर में कहां रहे थे? हम अभी रायपुर आ रहे हैं, जनवरी में फिर से एक बार गए थे, उपद्रव कर गए थे। अच्छा, पर्चा बन गया क्या? अर्जी पहली बार, ठीक है, वहां रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कथा है हमारी, जनवरी में फिर से रायपुर में कथा, कवर्धा में कथा है, आ रहे हैं, मिलियो हमें। ठीक, हाँ अंकल जी, हो साए। आप साइकिल से आए? हो हाँ, अच्छा, तुम जा कह रहे हो, तुम तो सही प्राण खा भी रोके। वो भी मना हो गए, क्या समझना चाहिए?
भक्ति सनातन का प्रचार बढ़ेगा, करें पाएंगे आप तेज गति से। नींद की दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन बना हुआ है, लगातार नहीं आती है, जिस कारण से बहुत मन खिन्न रहता है। विवाह का मंगल काज संपन्न 2024 के अंत 25 प्रारंभ में बेटे का हो जाएगा, आशीर्वाद है। उसकी बहू, तुम्हारी बहू, उसकी घरवाली आ जाएगी। स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। शुभ समय तुम्हारा 2024 में ही जुलाई के महीने में 19 जुलाई से बन रहा है। वर्तमान में पितृ दोष का कारण है, पितरों का उपाय करवाना है, विधि आप करवा चुके। शीतला माता को आप अपने घर पर स्थान दे दें, फतेह हो जाएगी, आशीर्वाद है। चिट्ठी में 6 प्रश्नों को लिख करके लाए हैं। पूर्ववर्ती तुम्हारे प्रश्न हैं। दरबार में बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं, पुत्र रूप में अपने पिताजी को पाना चाहते हैं। बालाजी आगे निश्चित रूप से दया करेंगे, अभी समय है, लेकिन योग 100% बनेगा। नंबर 2, पत्नी को नौकरी का योग बन रहा है, तैयारी तेज करवा दें, उनकी नौकरी बालाजी की दया से 2025 में प्राप्त उनको हो रही है, जा आशीर्वाद है, और कोई भी अनहानि नहीं हो। बालाजी सरकार की, कन्याजी बाबा की, साधु जी और फरवरी में हम आपका विषय अर्जी लगा देंगे, वो एक में से हमारे ध्यान, ठीक बहना, ये भभूति दे देना बहन, बहना भभूति इस गेट जाओ, इस गेट से उठ जाओ, वापस गेट बोले, फिर क्या हुआ तो मैंने तो दूसरा ने बोल दिया कि कुत्ते का बोला था, पर वो तो जींस पहन रहा है, जींस पहन के नाम ज्यादा दिक्कत बना है, वो भी उन्होंने बोला, हां बोला था मैं कि माफ नहीं, तो माफ नहीं कर सकते, चंदन लगा रखा है चश्मा, बिल्कुल आप को सुपर को बात लगे, मतलब बुला के भी नहीं, बुला के लिए अच्छा लगी बोल दियो, क्या आप भी है उठ पर से मजबूत हो छोड़ दिया, मंदिर वाला पूरा कर लिया, ऐसा ही हुआ, ठीक है, अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा के साथ साथ थोड़ा अपने घर के कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। भक्ति तो करो ही, अध्यात्म तो करो, घर के कार्यों में भी थोड़ा ध्यान दो, और बालाजी दया करेंगे। गोपाल शास्त्र नाम का लिख दी पूरी, ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र की तुम्हें 3 माला करनी है, गोपाल शास्त्र नाम का तुम्हें पाठ करना है, गोपाल शास्त्र नाम रोज उनको 1 बार करना है। दादाजी को भेज बालक श्री सीताराम भगवान की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चमीटा वाले बाबा की, हम आपका मंगल काज वाला हम अर्जी लगा देंगे, हमें पीली रेशम चाहिए, हमारी अर्जी स्वीकार है, और चाम आपको बना के दे देंगे,
पर्चा हम आपको दे देंगे आगे जब भी आप दोबारा में आएंगे। स्मरण में पीली रेशम दे सकते हैं आज हम अभी गंडा बना के आपको फ्री कर आओ भगवान आपकी अर्जी लगने का कारण ही है हनुमान चालीसा। वाले का पूरा खत्म हो गई पक्का क्या समाधान चाहते हो? बाबा जी जल्दी जय सीताराम क्लियर है तो कल जो कहा देखी सब हम खाती तो चलो एक बार फ्रॉडगिरी हुई थी आपके साथ में कोई फ्रॉडगिरी हुई फ्रॉडगिरी बैंक में ही हुई क्या क्या चाहते हो? भगवान हमने ऐसा लिखा 108 पाठ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया भोजन ना करने का संकल्प लिया था इसलिए आपकी अर्जी लगी पूरे घर में परेशानी बनी काया सभी की निरोगी रहे आपके घुटना पैर में दर्द बना हुआ है भजन बालाजी का बढ़ जाए आपके साथ धोखा किया गया है आपके साथ फ्रॉडगिरी की गई है बैंक के लोगों दलालों द्वारा की गई है आपका रुपया जमा करवा करके उन्होंने ले लिया कागज में नहीं भरा अब वर्तमान में आपकी संपत्ति हड़पने की नौबत आ गई है जाओ बालाजी आपको इन दलालों से बचाएंगे सद्बुद्धि देंगे सत्य की जीत होगी आशीर्वाद है। हाँ वही हम बताने वाले एक मिनट दस लाख खाली है आपको राजनीतिक सपोर्ट लेना पड़ेगा इसमें तो आपकी जीत होगी लेकिन आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है कोई कागज नहीं है गलती हो गई लोकल में आना पड़ेगा भूल हो गए हम करते हैं दादा आप चिंता ना करो हमें समय दो आपको राजनीतिक सपोर्ट लेना चाहिए तो कुछ राहत हो जाएगी आप बाबा के पास जाओ दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग यदि तुम तारोगे नहीं तो हम की करेंगे लोग गुरु बिन भावो निधि करे न कोई राख गुरु जब कोप विधाता
श्री गुरु पाके नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य होती पार पार पर हरस देव श्री रंग पट सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग गुरु बागेश्वर राम जी गुरु महाराज की बाबा जी सरकार की और सुना पाला जी दे दो प्रिया मैं प्यार जय हो बहना ठीक है बहना को बाला जी ले आओ पटकी लाओ बागेश्वर धाम की नजदीक आओ आप कहां से आपका आना हुआ क्या समाधान चाहिए क्या हो गया क्या हो गया वो तो हम बता दें तुम्हारी बच्ची को क्या दिक्कत तो तुम्हें तुम्हें हमसे ही जाना है अच्छा भगवान है पढ़ी लिखी हो आप ठीक है कहां से हो ठीक है पूरे परिवार को तंत्र परेशान कर रहा आपके घर पर प्रयोग किया गया है बच्ची के शरीर में गलत हरकत कर रहा है पूरे शरीर पर बैठ जाता है पुरुष बन करके आ जाता है जिन्न नामक शक्ति है हवस की कारण बहुत ज्यादा बच्ची मेंटली टॉर्चर हो गई है कई गुरुओं के पास जा चुकी हैं आज तक आराम नहीं लगा सब बर्बाद हो गया है उसके उपाय के प्रयोजन के लिए आप दरबार में आए क्या ये बातें सही है उसके हिसाब से करना नहीं हमारा मतलब ये नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि तंत्र विद्या तो हम बांधने ये चैलेंज देता है ठीक है बहुत चैलेंज देता है उल्टा सीधा बोलता है आपको भी परेशान करता है ये प्रेत जिन्न बाधा और बालक को भी बंधन करता है तो ये तंत्र विद्या का मामला तो हमारा है हमने आपसे ये पूछा है कि आपकी बच्ची का आपका दूसरा प्रश्न भी है विवाह का तो बेटी के हिसाब से करवाना है ऐसे ही है आज्ञा है खुश जाओ आवाज से मत रोना मां हम मां आप मंगलवार को प्रयागराज सरकार के दरबार में बैठेंगी हम विधि करेंगे 21 मंगल लगेगा इसको बधवा दे देंगे आराम लगेगा अब 26 तारीख को दरबार लगना है इसके बाद फरवरी में पूरे मंगलवार दरबार लगना है प्रयागराज सरकार का दरबार शनिवार 10 तारीख को लगना है उसमें आप बैठाओ हम विधि करेंगे बालाजी दया करेंगे प्रेत बंध जाएगा और सदा के लिए बंध जाएगा 2-4 महीने का उपाय नहीं परमानेंट उपाय होगा आशीर्वाद है और इसकी हरकत तो हम आज ही रगड़वाए रात ये जो हरकत करता रात को पुरुष बनकर आता बालाजी भगवती कृपा तुम्हारी कुल देवी जिनकी तुम फोटो रखे पूजा कर रही थापे हुए
खुश ये आपका उपाय है कि आपको कैसे आना है, हवाई जहाज से आओ खुश वेरी मच। हाँ ठीक है माँ, मिल सकती है कल। ये जो बिटिया तिलक लगाए बैठी है इस बहन को आने दो। क्या एक अल्ली गुरुजी ने बीच में स्वीकार कराई थी, दादाजी हम ऊंचो दाढ़ी वाले वृद्ध दादाजी यहाँ बैठे दाढ़ी वाले बाबा जी हैं यहाँ यहाँ जो सफेद तौलिया कानों में बांधे इनको भेजना भैया। हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ मालिक आ जाओ। ये पटकी और ये बहन जी कहाँ हो, ये लोग तुम्हारी राखी बंधाई वहीं से ले लो मोरी बहना। ठीक है तो लास्ट में है रखे लो, बैठ जाओ बहना जी अंदर बैठा लो। आओ बागेश्वर धाम की, अरे भाई बोलो सन्यासी बाबा की। देखो कितने बच्चे कहाँ से बिहार में कहाँ रहे बच्चे, ऐसे आ जाओ यहाँ हमारी शक्ति यहाँ बैठी ऐसे चमक दे चल नहीं आ क्यों लेकर बोलो ये कौन यहाँ पर कौन आ जाता है यहाँ नहीं आता, पूरे छत में घूमो यहाँ पर नहीं आता। बोलो क्या समाधान पाना है। जी बैठ जाओ जी काय राम दिखने नहीं दे रहे आप। हमने यहाँ से शुरू किया पर्चा गलत हो तो आप टोक देना। सभी बीमार घर में परेशानी 2019 से ज्यादा बनना प्रारंभ हो गई, अकाल मौतें हो गई, चार मृत्यु हो गई, संतति की मृत्यु हुई है, संतानों की बच्चों की मृत्यु हुई है, आगे नहीं होगी। वो आपकी अर्जी ये है कि लौट करके पुनः आ जाए, ऐसी आपने बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई वो स्वीकार है, जाओ आशीर्वाद है। लेकिन डॉक्टरी दिक्कत बन गई, डॉक्टरी समस्या बन गई। न मुसलम सर आप चल लेना कौन हम बैठे लगते हैं अचानक खराब हो गया। डेढ़ दो महीने का नहीं, संतति जन्म ले लेती है, जन्म ले लेती है, हम ये कह रहे हैं जन्म ले लेती है, जन्म के बाद ये घटना है, गर्भ में नहीं होते, गर्भपात कहलाता मिसकैरेज, मिसकैरेज गर्भपात। ये तुम्हारी संतान अलग तरीके से मरती है, जन्म ले लेती है फिर उसके बाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जन्म के बाद हम ये आपको बता रहे। तो इसमें जो पद्धति कारण आया है वो कारण सही आया, लेकिन जो मारण विद्या है उसका उपाय हमारा, जो तुम्हें चैलेंज मिला वो हमें स्वीकार है, तुम्हारा जो मानना है उस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया। हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, तुम भजन करो
डॉक्टरी सलाह लो, तुम्हारे घर पर संतति लौट कर आएगी, वो पहला बेटा ही होगा और वो जीवित रहेगा, ये आशीर्वाद है। और तुम्हारी हम बात आगे और रोना बहुत गंभीर हो क्योंकि बहुत बड़े विषय से हम बोल रहे हैं। दूसरा, आपको वैज्ञानिक पद्धति में केवल डॉक्टरी सपोर्ट इसलिए लेना है कि कुछ कुछ दिक्कत हो रही जांचों। दूसरा, आपको ये जो भय है कि अमुक आदमी जो मुसलमान ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, तो वो अगर मुसलमान है तो यहां हनुमान है, तो ये भय भी आप क्या मुस्कुराते हुए घर जाओ, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, आप पेशी करो, काली रेशम हमको दे दो, घर पर आप अखंड ज्योति अनवरत जब तक जय जय ना हो जाए, और जब तक तुम्हारा बालक एक डेढ़ दो साल का ना हो जाए तब तक ज्योति बालाजी की जल्ले दो और लाल रंग का झंडा गाड़ दो, सबकी छठरी बस जाओ। हाँ, लेकिन एक बात, बेटे तुम्हारे तीन खत्म हुए, तीनों नहीं लौट सकते, बस चलवा देंगे आशीर्वाद, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है तो प्रकृति को नियम को तोड़ दें, पर जितना हमारी सामर्थ्यता में बस है उतना हम करके बताएंगे। इसीलिए तो वैज्ञानिक पद्धति का आपको सपोर्ट करना है, इसलिए तो हमने डॉक्टरी सलाह के लिए आपको कहा है, आपको औषधि चलानी है, इसीलिए तो हमने कहा, हमारी बात को एक बार ही सुनना है आपको। डॉक्टरी सहयोग का मतलब ही है कि आपको जांच भी करवानी, डॉक्टरी दवा का भी सपोर्ट, ठीक है, अब बाकी बात बाद में।